तमाम शिक्षक जो आज यहाँ पर आप सड़कों पर देख रहे हैं, एलजी साहब के हाउस के बाहर यहाँ पर तमाम शिक्षक आए हुए हैं। इनके हाथों में जो आप बैनर देख रहे हैं, जो इन्होंने पैम्पलेट्स लिए हुए हैं, एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो, यानी एलजी साहब फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए जब सीएम साहब ने शिक्षकों को बाहर भेजने की जो ट्रेनिंग के लिए भेजना था, लेकिन तमाम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है, तो क्या कुछ हुआ है? एलजी साहब क्यों नहीं जाने दे रहे हैं फिनलैंड आप लोगों को? जी उनका ये एक हर रोज का काम है, एक दिल्ली सरकार के हर काम में रोड़ा अटकाना सबसे बड़ा काम है। बीजेपी वाले क्या चाहते हैं, इनके काम किसी भी तरह सीएम साहब कर ना पाए, अरविंद केजरीवाल कर ना पाए। हमारे शिक्षक पहले भी बाहर गए थे ट्रेनिंग के लिए, अब फिनलैंड जाना था, इन्होंने फाइल को रोक दिया है। पहले भी हमारे शिक्षक ट्रेनिंग पर गए थे और उन्होंने दिल्ली का शिक्षा में अच्छा सुधार लाए। दिल्ली के स्कूलों का 99.6% रिजल्ट आया, जो कि बेहतर है पूरा। कई जगह में हमारे स्कूलों का भी पूरे देश में अव्वल आए हैं, 4 स्कूल हमारे, तो वो कैसे आए? अच्छे आए, उससे सीएम साहब का नाम हो रहा है। तो हर चीज़ को, कोई भी फाइल हो, योगा की फाइल है, हर चीज़ को डॉट स्टेप डिलीवरी है, हर फाइल को रोका जा रहा है। तो फिर ये जो जनता ने चुना हुआ सीएम है, फिर किस लिए ये हर फाइल को रोकना है? तो एलजी साहब हर फाइल को क्यों रोक रहे हैं? एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? शिक्षित होगा तभी तो अपने निर्णय ले पाएगा। बताओ, नाम है आपका? मेरा नाम संजू जैन है, दिल्ली प्रदेश से, मैं महिला विंग से हूँ। जी, शिक्षक हैं आप? नहीं, महिला विंग से हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी। मेरा ये सवाल है कि जब सीएम साहब अच्छे स्कूलों की जो है तरफ और बढ़ रहे हैं, शिक्षा बढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो एलजी साहब इस तरीके का अड़ंगा क्यों उड़ा रहे हैं? फिनलैंड से तो अच्छी शिक्षा ही आएगी, बाहर विदेशों से तमाम लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ से शिक्षक अगर सीख कर आएंगे तो जो स्टूडेंट है उनको सिखाएंगे तो और ज्यादा बेटर ही पढ़ाई होगी। तो हम उसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों रोक रहे हैं? इसको रोका ना जाए, दिल्ली की शिक्षा में कोई रोड़ा ना अटके। अब केजरीवाल जी आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, उसी के लिए हम यहाँ पर आए कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, कोई रोड़ा ना अटकाए, कोई ऐसे ही नहीं बने सीएम साहब, जनता ने चुन के भेजा है। तो ये राजनीतिक स्टंट है क्या? राजनीति स्टंट है जी, बिल्कुल राजनीति स्टंट है, नहीं तो क्यों रोका जा रहा है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इनके स्कूल देखे होंगे, बीजेपी के एमसीडी के स्कूल देखे ना, कैसी जर्जर हालत में है। अगर ये जनता का भला चाहते तो इनके स्कूल अच्छे होते, इनके स्कूल क्यों नहीं उन्होंने आज तक अच्छा किया? सरकार की भी जो उसमें अंतर्गत बने हुए बनाए गए हैं स्कूल, उसमें कुछ ही स्कूल्स में जो है स्विमिंग पूल दिया गया है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वही कोई तमाम और स्कूल है तो उनमें बिल्कुल शिक्षा का ध्वस्त पड़ा हुआ है मामला। नहीं नहीं, कहाँ है आप बताइए, सब जगह अच्छा हुआ है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे साइंस। अगर स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस है नहीं, उसमें कॉमर्स दी जा रही है, ओनली साइंस है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं, कहाँ पर है बताइए ना। रोहिणी साइड के 2-4 स्कूल के गलत बोला जा रहा है, जहाँ पर जो चीज दे जा रहा है, स्टूडेंट बैठे थे धरने पर। नहीं जी, किसी कारण कोई टीचर छुट्टी पे है तो एक अलग बात है, बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ बोला कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है, आज कहने की तो बात है ही नहीं। आप कहीं पे भी जाओ, हम आगे आके दिखाते हैं, ये हमारे स्कूल है देखो जी, तो चोरी की तो कोई बात ही नहीं है, बोलने से तो कोई कुछ भी बोल देगा। जैसे अब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कह रहे शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, भेज रहे तो हम यहाँ क्यों ठंड में आते, हम बीमार है तो क्यों आते? क्या बोलना चाह रही थी आप, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। एक बार बताइए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी तब स्कूलों की क्या हालत थी आप भी जानते हैं। सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को कह दिया जाता था इन्हें पास कर दो, चाहे उन्हें आसान आता हो या ना आता हो, पास करते चले जाओ। आज शिक्षा में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में स्कूलों में हुआ है। ये मैडम सभी स्कूलों में, ऐसा कुछ नहीं है किसी कुछ कह रही है ना, नहीं नहीं, जब उन बच्चों के ये मार्क्स के ऊपर होता है ना, जितने परसेंट अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तभी उनको साइंस साइड मिलेगी। शायद हो सकता है वहाँ पे कुछ साइंस साइड है ही नहीं। आप हमें स्कूल बताइए ना, कौन सा स्कूल है रोहिणी के, बता दो। नहीं नहीं नहीं, स्कूल पूरा के स्कूल में हमारे कैमरामैन, पहली बात तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है।
आपने जाके दौरा किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अक्सर गए हैं इसलिए बता रहे हैं। हम ईस्ट दिल्ली से हैं तो हम ज्यादातर वहाँ यहाँ पे शिक्षकों को होना चाहिए था, लेकिन आप तमाम जो है आम आदमी पार्टी से आप लोग आ रखे हैं, कार्यकर्ता लोग। 3 बजे हम लोगों को यहाँ पे आना था तो सब लोग आ रहे हैं, और एक लोहड़ी होने की वजह से आपको पता है कितना बड़ा फेस्टिवल है, तो लोग कुछ कम भी आए हैं, लेकिन 3 बजे का जैसे टाइम था आप देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पे आपको बहुत बड़ी संख्या। एलजी साहब का ये जो फैसला है उसको आप किस तरीके से देखती है, सही है या गलत? बहुत गलत है। एलजी साहब जब भी दिल्ली में कोई अच्छा काम होने वाला होता है उसको रोकने का काम करते हैं। एलजी साहब समझ में नहीं आता कि दिल्ली के एलजी हैं या भाजपा के एलजी हैं, क्योंकि सारे काम अभी देखिए योगा क्लासें इन्होंने बंद करने की कहानी कर दी। अब ये बच्चों को अगर शिक्षकों को फिनलैंड भेजा जा रहा था तो वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके दिल्ली के बच्चे जो शिक्षा लेते उसमें क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को फाइल को दबा देना, कुंडली मार के बैठ जाना, ये तो कहीं का अच्छा काम नहीं है। अच्छा ये कहा जा रहा है कि और तमाम स्टेट्स में भी जो है नहीं अलाउ किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा है। मैडम ये टोटली झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की राजनीति इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती है। जो भी अच्छा काम होगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा उसको ये दबाने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को और खुशहाल हों। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे और बदलाव हो रहे हैं तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है। एक भी काम बताइए इनका अच्छा, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखाए थे काम कर दिया। भाई आप अगर जाओगे ग्रास रूट पर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। एमसीडी के स्कूल्स भी देखे गए हैं जो है बहुत खराब जर्जर हालत में। आप देख लो वही दिल्ली सरकार के स्कूल देख लो आप कितने अच्छे हैं, और एमसीडी के स्कूलों में टोटली लोग बच्चों को डफर कर दिया, इन्होंने पढ़ाने टीचर ही नहीं होते वहाँ पे, और वो लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार की तरह सारे स्कूल होने चाहिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंट देख लीजिए, इतने वैकेंसी नहीं होती जितने एडमिशन वहाँ बच्चों को कराने के लिए वो आते हैं, एप्लीकेशन आती है। तो यहाँ पर जो आने चाहिए थे शिक्षक, आने चाहिए थे लोग, आने चाहिए थे शिक्षक भी हैं यहाँ पे, देखिए कितनी बड़ी संख्या दिख नहीं रहे हैं। नहीं 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 मैडम, देखो मैंने आपको बताया कि आज लोहड़ी का फंक्शन है, उसकी वजह से भी लोग कम आ पा रहे हैं फेस्टिवल की वजह से, तो अभी काफी बड़ी संख्या में आपको 10 से 15 मिनट में सभी लोग दिखेंगे। देखिए आप कितने सारे लोग हो गए हैं 10 मिनट। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी क्या करती है? मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। तो ये जो तमाम लोग आप लोग कार्यकर्ता आए हैं, मेरा सवाल अभी भी यही है कि शिक्षक नहीं दिख रहे हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं। नहीं फेस्टिवल है इसकी वजह से कुछ कम भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं मैम। तो ये आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हुए थे सभी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, जो इस चीज इस फैसले को लेकर जो है इनके झड़प हो रही है, और तमाम सामने आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स लगाकर यहां पर पुलिस की पूरी टुकड़ी जो है यहां पर भेज दी गई है, तमाम मीडिया यहां पर मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है बैनर पोस्टर लेकर के हाय हाय मचा रहे हैं। एलजी साहब शर्म करो इस तरीके के नारे लग रहे हैं। तमाम लोगों के हाथ में आपको ये दिख जाएगा कि कितने पोस्टर्स हैं, और अब देख सकते हैं या तमाम लोग जो है होश में आओ एलजी को होश में लाने के नारे लग रहे हैं, और लोगों में आक्रोश जग चुका है। आप देख सकते हैं इनके आक्रोश को कि जितने भी टीचर्स हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है अच्छी शिक्षा के लिए, ताकि उन छात्रों को वो अच्छी शिक्षा दे सकें, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस टुकड़ी इस तरीके से लगा दी गई है जैसे कि कोई आतंकवादी घुसाया हो। तो इसी अभी मैं तमाम यहाँ की खबरें आपको दिखाती रहूंगी। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, एलजी हाउस दिल्ली।